और भाई क्या हाल चाल है आप लोगों के। मैं हूँ आपका अपना Sky 360। तो भाई आज मैं बहुत सारी YouTube स्टोरीज ले भर भर के, तो भाई वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन वीडियो लास्ट तक देखना। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं BBC न्यूज हिंदी और भुवन बाम के बारे में। तो BBC न्यूज में एक इंटरव्यू दिया है भुवन बाम ने, तो भाई उसमें भुवन बाम ने अपना एज, अपना हाइट, ऑल्सो अपना अर्निंग के बारे में बताया है कि उनको यूट्यूब से कितना अर्निंग होता है। तो भाई मैं आप लोगों को डायरेक्ट दिखाता हूँ भुवन बाम ने क्या कहा। 5 सेकंड में सही बायो। 25 साल की उम्र है, 94 बॉर्न हूँ मैं, और मेरा जन्म बड़ौदा गुजरात में हुआ था लेकिन मैं पढ़ाई मेरी दिल्ली से हुई है। सफदरजंग के ग्रीनफील्ड स्कूल में मैं पढ़ा हूँ और शहीद भगत सिंह कॉलेज से मैंने हिस्ट्री ऑनर्स किया। यार हाइट मेरी 5'11" है, 5'7" नहीं है। 25 साल लोग मुझे मिलते हैं कहते हैं आप तो लंबे हो, मैं तो वीडियो में मतलब कहाँ, पहले हजारों का पैकेज होता था फिर लाखों का, अब करोड़ में पहुंच गया कि नहीं। तो भाई आप लोगों ने देख लिया मंथली कितना इनकम होता है विवी के वाइंस का। ऑल्सो आप लोग अगर पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाके आप लोग देख लेना। तो फिर चलो बढ़ते हम लोग का अगली स्टोरी की तरफ। तो हम लोग का अगला स्टोरी आ रहा है बियर बाइसेप्स की तरफ से। तो भाई बियर बाइसेप्स ने कल अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया था, जैसा कि आप लोग देख सकते हो यूट्यूब इंडियाज डार्केस्ट साइड। तो भाई मैं आप लोगों को शॉर्टली एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली इस वीडियो के अंदर बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हुई, जैसे कि यूट्यूब जर्नी को लेके। ऑल्सो इस वीडियो के अंदर रोहित राज का एक इंटरव्यू भी लिया गया है। तो रोहित राज भुवन बाम का मैनेजर है। ऑल्सो इस वीडियो में हर्ष बेनीवाल, टेक्निकल गुरुजी, टेक्नो रोइस के बारे में बात किया गया है, और एक बात इस वीडियो में नियॉन मैन के बारे में बात किया गया है। तो भाई अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो इस वीडियो में तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो का तो चेकआउट कर लेना। तो भाई चलो बढ़ते हम लोग अगली स्टोरी की तरफ। तो हम लोग का अगला स्टोरी है रफ्तार के बारे में। तो भाई रफ्तार का एक इंटरव्यू आने वाला है राजदीप मसान के चैनल पे। तो अब तक तो वीडियो नहीं आया, अगर आता है मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। तो भाई बढ़ते हम लोग का अगला स्टोरी की तरफ। तो हम लोग का अगला स्टोरी एमिवे वनटाई की तरफ से। तो भाई एमिवे वनटाई ने अपना नेक्स्ट सॉन्ग का अपडेट देते हुए लिखा है टाइम फॉर नेक्स्ट म्यूजिक वीडियो, आर यू रेडी। तो बहुत जल्द शायद एमिवे वनटाई का न्यू सॉन्ग आने वाला है, तो देखते हैं कब तक आता है। तो बढ़ते हम लोग का नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। तो हम लोग का नेक्स्ट स्टोरी आ रहा है अमित भाना की तरफ से। तो अमित भाना ने अपना 8 और 9 डेज का अनाउंसमेंट कर दिया गिव अवे का, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। तो भाई बात करते हैं हम लोग का अगली स्टोरी की तरफ। तो हम लोग का अगला स्टोरी है इलविश यादव की तरफ से। तो भाई जैसा कि आप लोग देख सकते हो इलविश यादव का नया वीडियो आ चुका है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहां पर जाके आप लोग चेकआउट कर लेना। ऑल्सो भाई लोग ये वीडियो ट्रेंडिंग नंबर 1 पे चल रहा है करंटली। तो भाई हमारी तरफ से इलविश यादव को कांग्रेचुलेशन। तो भाई चलो बात कर लेते कुछ अचीवमेंट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल राजवीर मसान ने कम्प्लीट कर चुका है 500K सब्सक्राइबर्स, सीवो ने कम्प्लीट कर चुका है 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। तो बढ़ते हम लोग का अगली स्टोरी की तरफ। तो हम लोग का अगला स्टोरी आ रहा है लक्ष्य चौधरी के बारे में। तो भाई लक्ष्य चौधरी ने अपना वीडियो का अपडेट देते हुए अपने इंस्टाग्राम पे बताया न्यू वीडियो जल्दी आएगी, थोड़ा तबीयत खराब होने की वजह से रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, और ये वीडियो स्पेशली एंड एक्सक्लूसिवली मेरे भाइयों डायनोमो गेमिंग, रोस्टिंग गुरु, हैदरा क्लैन और इनके हेटर्स के लिए होगी। तो भाई देखते हैं क्या होता है। ऑल्सो आप लोग अगर गैस कर पा रहे हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो भाई बढ़ते हम लोग अगली स्टोरी की तरफ। तो हम लोग का अगली स्टोरी है भुवन बाम के बारे में। तो भाई कुछ दिन पहले भुवन बाम ने ये पिक अपने इंस्टा पे शेयर किया था। तो भाई जैसा कि आप लोग देख सकते हो भुवन बाम ने सिद्धू पाजी का गेटअप लिया हुआ है। तो वो क्यों लिया हुआ है मैं आप लोग को दिखाता हूँ। थ्रो सीधा स्टंप्स पर लगा, बैट्समैन पेवेलियन की ओर भगा, पाजी इससे सटीक निशाना तो सिर्फ बीवी का होता है, हमेशा बेलन नाक पे आके लगता है। ओ गुरु, कभी कभी मियां अपनी वीडियो में रफ हो जाती है, स्लो वाईफाई और बीवी नाराज हो जाए तो जिंदगी टफ हो जाती है। ठोको पाजी, जिंदगी तो मेरी आज सुबह होटल से चेकआउट करते में टफ हो गई थी जब मैं अपने सूटकेस में रजाई, गद्दे और सिर्फ तकिए भर पाया, फ्री के शैम्पू और फेस वॉश तो रख ही नहीं पाया। सुमड़ी में घुमड़ी, सुमड़ी में घुमड़ी। अरे क्रिकेट की तो बात कर लो। और ठहर यार, और देख आकाश, हेयर केयर ते स्किन केयर दोनों के लिए बियर्डो का एलोवेरा जेल बेस्ट है। ये स्किन को नरिश करता है, ये स्कार और पिंपल को दूर भगाता है, और तेरे जैसे सुनहरे बाल जिसके भी हो उसके बाल और दाढ़ी की केयर करता है। तो ब्यूटी पार्लर ही खोल लो ना। पाजी चोट तो नहीं लगी? जिस तरह पबजी में गाड़ी बिना गैस कैन के नहीं भगती, उसी तरह शेरों को चोटें नहीं लगती। खड़का दो, आ जाओ भाई, आ जाओ, खड़का लेते आओ यार। तो भाई आप लोगों ने देख लिया इस प्रमोशन की वजह से सिद्धू पाजी का गेटअप लिया था भुवन बाम ने। ऑल्सो भाई लोग आज भी भुवन बाम ने एक पिक शेयर करके नीचे लिखा हुआ है, व्हेन यू हैव डेड
फॉर 5 years एंड शी स्टिल सेज आज नहीं। तो भाई लगता है और एक शॉर्ट वीडियो के लिए भुवन बाम ने ये गेटअप लिया है, तो इसमें आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो भाई लास्ट में कुछ अचीवमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, तो वाइश को मिल चुका है अपना सिल्वर प्ले बटन, और जो सत्या सागर को भी मिल चुका है अपना सिल्वर प्ले बटन, एंड फाइनली फ्लाइंग बीस्ट को भी मिल चुका है अपना गोल्डन प्ले बटन। तो भाई लोग आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक के भी ना कहीं मत जाना, ऑल्सो भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना एंड वीडियो को शेयर कर देना, और ऐसे छोटे और बड़े अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और साइड में जो बेल आइकन है वो भी प्यार से बजा देना। एंड भाई लोग अगर आपके पास कोई भी छोटा या बड़ा न्यूज हो तो मुझे डीएम कर देना, मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्काई आउट।